हाय गाइस, आज मैं एक पिकॉक की वीडियो आपके सामने लेके आया हूँ। और पिकॉक, अब तक आपने जो भी देखे, पंखों से भरा हुआ शरीर, पूरी तरह कलरफुल, लेकिन आज कुछ अलग ही नज़ारा है। अब इसकी पूरी कहानी मैं आपको बताता हूँ कि पिकॉक अपने पंखों के बिना कितने दिन रहता है और कब ये पंख गिराता है। तो मैं आपको बता दूँ, जब पिकॉक का प्रजनन टाइम होता है वो होता है बरसाती मौसम। बरसाती मौसम के टाइम इसके जो पंख हैं वो पूरी तरह शरीर पर होते हैं और कलरफुल होते हैं, और उनको फैलाकर मादा को आकर्षित करने के लिए ये प्रकृति ने इसको एक विशेषता दी है। लेकिन जैसे ही इनका प्रजनन टाइम ख़त्म होता है, और आप जानते हो, प्रजनन के दो महीने के अंदर बच्चे भी पैदा हो जाते हैं। लगभग 25 दिन में अंडे देते हैं मोरनी, और उसके लगभग 25 से 30 दिन में अंडे से बच्चे बाहर आ जाते हैं। ये सारी प्रक्रिया 50 से 60 दिन के बीच में हो जाती है। लेकिन जैसे प्रजनन टाइम खत्म होता है पिकॉक का, ये अपने पंख गिराना शुरू कर देता है। पूरे पंख शरीर पे हैं वो सारे के सारे गिरा देता है। और आप देखते हो उसका सामने एक एग्जाम्पल, ये पिकॉक है। साइड में एक और है, उसको भी मैं अभी दिखाने की कोशिश करूँगा। एक दो पंख रहे ना, सारे पंख ही गिरा चुके हैं। पंख काफ़ी कॉस्टली भी हैं, इनकी अच्छी खासी कीमत मिलती है। एक पंख 5 रुपये से 50 रुपये तक की कीमत का होता है। पंखों में डिजाइनिंग बहुत सारी हैं। एक में चांद जैसा बना हुआ है, तो दूसरा कुछ दूसरे स्टाइल का है, एक ऐसा है मतलब कटार जैसा बना हुआ है। सबके अलग अलग नाम भी रखे हुए हैं, हर क्षेत्र में अलग नाम है, और उनकी अलग अलग कीमत भी है। जैसा पंख वैसी कीमत। तो नवंबर और अक्टूबर के आसपास आके लगभग सारे पिकॉक्स अपने पंख गिरा देते हैं, और उसके बाद में इनके शरीर में अगले 10, 12, 11 महीने तक फिर पंख उगना स्टार्ट हो जाता है। फिर वही बरसात का मौसम आता है, और इनका प्रजनन टाइम पे फिर मोरनी को आकर्षित करने के लिए ये पंख बड़े करके फैलाते हैं। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा, लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।